नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो आइए देखते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। सॉरी, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक हमसे हो गया है। पॉजिटिव में POSITIVE, पॉजिटिव, थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे लिखने में। आइए देखिए, रूल देखते हैं नियम के बारे में। ही सी इट एक वचन के साथ हम क्या करते हैं, एक वचन यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगाते हैं, और आई यू वी दे यानी बहुवचन प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर कर्ता के साथ क्या करते हैं, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। मतलब एक वचन के साथ हैज बीन लगाएंगे और बहुवचन के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। उदाहरण सहित देखते हैं। ही हैज रिटन अ लेटर एक्टिव वॉइस, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, देखिए आ लेटर है यहाँ पे, तो एक वचन है, क्या करेंगे हम हैज बीन लगाएंगे, क्या हो जाएगा, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम, पैसिव वॉइस बन गया। दे हैव प्लग्ड द फ्लावर्स, एक्टिव वॉइस, क्या हो जाएगा, फ्लावर्स हैव बीन प्लग्ड बाय देम। यहाँ पे हैव बीन क्यों लगा, क्योंकि फ्लावर्स है यानी बहुवचन है, इसलिए हो गया फ्लावर्स हैव बीन प्लग्ड बाय देम, पैसिव वॉइस बन गया। आगे देखते हैं। ही हैज गिवन मी अ पेन, ये एक्टिव वॉइस है, क्या हो जाएगा, अ पेन हैज बीन गिवन मी बाय हिम, ये बन गया पैसिव वॉइस। आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों में नहीं के लिए क्या करते हैं, हैज व हैव के बाद नाट लगा देते हैं, शेष वाक्य यानी हमारा फार्मूला पहले के जैसा रहता है। एक उदाहरण देख लीजिए, अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम, देखिए हमने डायरेक्ट पैसिव लिखा है, पैसिव वॉइस का, तो अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम, हैज के बाद नॉट लग गया। वैसे ही फ्लावर्स हैव नॉट बीन प्लग्ड बाय देम, पैसिव वॉइस है। अ पेन हैज नॉट बीन गिवन मी बाय हिम, ऐसे ही देखिए। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिन वाक्यों में वाक्य पहले क्या आ जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस उन्हें कहा जाता है। तो देखिए ऐसे वाक्यों के लिए क्या करेंगे हम, हैज व हैव को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं, शेष वाक्य हमारा पूर्ववत रहता है, और वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। आगे देखिए नोट क्या दिया गया है, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब और कैसे वाक्य के बीच में आवे तो उसकी वास्तविक अंग्रेजी हैज व हैव के पहले लिखते हैं, शेष वाक्य हमारा पूर्ववत रहता है। देखिए एग्जाम्पल सहित देखिए, हैज अ लेटर बीन रिटन बाई हिम, देखिए हमने डायरेक्ट पैसिव वॉइस में लिखा है। आगे देखिए, हैव द फ्लावर्स नॉट बीन प्लग्ड बाई देम, हैज अ पेन बीन गिवन मी बाई, देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक और हो गया है, हैज अ पेन बीन गिवन मी बाई हिम, पैसिव वॉइस, यहाँ पे हिम रहेगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। आगे देखिए, बाई हुम हैज इंग्लिश बीन टॉट टू यू, तो इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।